पदरार जाकर यासर रजा जंडवी और गुलाम जाफर लखनवी साहब और इसके अलावा और भी दीगर उलमा जाकरी इख्तिताफ फरमाएंगे। उसके बाद जनाब ये आपके साथ गांव जंड शरीफ में अशरा मुहर्रमुल हराम शुरू हो रहा है, जिसका टाइम है दिन 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, जिसमें काफ़ी उलमा जाकरी इख्तिताफ करेंगे। और भी जिस जैसे मेरे पास ऐलानात आएंगे मैं इंशाल्लाह आपको गा करता रहूँगा। अभी आपके सामने जाकिर अहले बैत जनाब ज़हीर अब्बास साहब देवना बेहतरीन अंदाज में मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करेंगे। किबला पे हमद पे नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, कुले ईमान नाराए हैदरी, यक जुबान नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत दुश्मन दे लानत, पाक सजदा दे दुश्मन दे लानत, दुरूद पढ़ो वाले मोहम्मद की जात ते। जिस दिल में शाह उल्फत हैदर खिली नहीं, बिस्मिल्लाह करा मैं जनाब भाई ज़हीर अब्बास की आमद वास्ते मैं जनाब की पेशखानी वास्ते मैं जनाब सत्रिक सरकार दिया फजायल का सुनाना चाहना कि मैं दसना चाहना कि जे सरकार नू मनन दा फायदा इंसान क्या होंदा है। जिस दिल में शाह उल्फत हैदर खिली नहीं और उसको कभी सुकून की दौलत मिली नहीं, मैदा हमें तो जिंदगी ने यही है दर्स दिया, क्या उस जिंदगी पे लानत जिसमें अली नहीं। अभी आपके सामने बहरुल मसाइब कारी अल-किसाए ज़ाकिर मुसाफराए शाम जनाब ज़हीर अब्बास आफ देवना बेहतरीन अंदाज में मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करेंगे। आओ भाई जान दुआए बराए हुजत खुदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुन्ने वलिये काल हुजत इब्निल हसन सलवातो का अलैहि व अला अबाए फी हाज़िहि साते व फी कुल्ले साथ मिन सादी लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। या काशफल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम, इक्शिफ कर्बी व कर्बल मोमिनीना बेहक्के अहिकल हुसैन। या अबल फजल अब्बास या सरी रजा एग फिरले मल्ला यामले को इलदुआ फाइन कफालुले मात शाओ यामन इसमो दगान व जिक्रहु शिफा बेहक जहराए व अबीहा व बालोहा व बनुहा। रब सल्ले अला मोहम्मद वाल मोहम्मद या मुकल्ले वल कलूब वल अबसार या मुदब्बिर अल-लैल वन-नहार या मुहव्विल अल-हौल वल-अहवाल हविल हलना इला अहसनिल हाल। मेरा मालिक मेरा हलक बानियां दा पुर खलूस रड़ा बछाया तमाम मोमिनीनो मोमिनात दा दूध राज दी टुराया तमाम पढ़न वालियां दी पढ़ाई मैं हकीरा जस दी नौकरी अपनी बारगाह च कबूलो मंजूर फरमा। नई बंदे ढेर सारे हो मासूम फरमेंदे आमीन आखन दे नाल सगीरा ओ कबीरा गुनाह माफ होंदे। घबराना मैनू चाहिए है कि मजमा थोड़ा है, लेकिन मैं पता है कि जेडे सुनने वाले ने खलूसे नीयत दे नाल बैठे और ए जा मिंबरे हुसैन किसे पढ़न वाले का मोहताज नहीं, किसे सुनने वाले का मोहताज नहीं। और मजलसे हुसैन विच आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हर बंदा ना मजलसे हुसैन करा सकता है, ना हर बंदा पढ़ सकता है, ना हर बंदा सुन सकता है। मालक इस घर ते अपनियां खसूसी रहमतां नाजल फरमा। सैयदादे बेरोने मुल्क ने मालक उन्हां दी चुप्पे चुप्पे ते हिफाजत फरमा।
परदेश मेरिया मावं तो भेणा ने मालक इस पुरशोब दौर हर मोमन की इज्जत महफूज फरमा। मेरा मालक मेरा हाल कुछ मोमिनीनो मोमिनात जिन्होंने मेरे दिमे दवाव लाइया ने बीमार ने बीमारे कर बला दा सदका सेहत खुली अताफा खसूसन मातमी सलार भाई फरत अब्बास उन्हों की मशीरा बीमार ने बीमारे कर बला दा सदका सेहत खुली अताफरमा। भाई जान ने एक बंदे की परेशानी दसी पाक सैन दियाँ मुश्किलों का सदका उन्होंने मुश्किल आसान फरमा। मेरा मालक मेरा हलक सईद कमर शाह साहब की तौफीकात में इजाफा फरमा। उन्होंने पुत्रां भतीजियां की जिंदगी दराज फरमा। मिशन हुसैन चलाने वास्ते उन्होंने मजीद हिम्मत हौसला और वाफर मकदार रिज़क अता फरमा। पारा चनार दे शियां ते मालक अपना करम ते फजल फरमा उन्हां दी हिफाजत फरमा। मिशन हुसैन चलाने वास्ते बानियां नूं मालक मजीद इज्जत रिजक ते बख्त आला रिजक अता फरमा। बानिया ने मजलिस भाईजान तशरीफ फरमा ने मालक इन्होंने कामयाबियां कामरानियां अता फरमा। एक मोमन बच्चा कह दे वास्ता मेरे उस बादशाह दा जै 14 साल आसमान दा रंग नहीं डिठा। उस बादशाह दी बेगुनाह कैद दा सदका उन्होंने कैद की जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमा। रबी शराहली सदरी वयसरली अमरी वाखलू लुकदा तो मिल सानी ई आफको कोली साड़ी सारियां दुआवां दी इको ही दुआ है वारस हकीकी हुज्जत दराम इमामे जमाना अलैह सलाम दा ज़हूर जल्द फरमा। गलत रविश पे चले ये हमारा काम नहीं। थोड़ा जा बोलना नियाज़े हुसैन मजमा हुणे इंशाल्लाह आ जाएगा भाई जात। गलत रविश गलत रस्ता गलत रविश पे चले ये हमारा काम नहीं। सही ज़्यादा काम कि ना दे गलत रविश पे चलें ये हमारा काम नहीं ये उनका काम है जिनका कोई इमाम नहीं। थोड़ा जा बोलियो बिस्मिल्लाह करा सानू इस गल ते फख्र है साढ़े एक नहीं दो नहीं पांच नहीं पूरे 12 इमाम। गलत रविश पे चलें ये हमारा काम नहीं ये उनका काम है बोलो जिनका कोई इमाम नहीं। हम अपने वतन की मट्टी से प्यार करते हैं क्यों आशिक हैं अबू तुराब के नमक हराम नहीं। सदके जामा जी बिस्मिल्लाह करां जी। टाइम बिल्कुल मुख्तसर जिस वक्त अलामा साहब ने आ जाए मैं उस वक्त मेंबर छोड़ देने क्योंकि मेंबर दे वारस मौजूद ने और अल्लाह खैर करे ते तुहानू सोहना तरीके दे नाल फज़ाइल मुसाहिब सुनाण दे। और भी अगर किसी बंदे ने साई कढ़नी होवे ते मैं जनाब हाज़र सलवात आले मोहम्मद दी ज़ात बुलांदा। काफ़ी सारिया भाई जात फरमाइशा एक बच्चा बाहर खलोते है कासम दिंग वाला उन्हें आखिया जी कुछ अरसा पहले साढ़े को एक कसीदा पढ़िया ए जिक्र है आले पैगंबर का तो उस बच्चे ने फरमाइश की है तो फरमाइश भी पूरी करनी है। और भी काफ़ी सारे मोमिनीनो मोमिनात दी फरमाइशें ओ अगर वक्त मैं मिलया जिन्ना को वक्त मेरे हिस्से में है मैं तुम्हें जरूर सुनावा। सलवात आले मोहम्मद दी ज़ात नाराए तकबीर इवें नहीं बा कसरत शानी तौहीद रल के बैठे हो। हालक अकबर का नाम बहुत बुलंद है अकबर आदे ही उन्होंने जड़ा बहुत बुलंद होवे। नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत बवाज़े बुलंद सलवात। हालक दी करम नवाजी दा कोई जोहर समझ च नहीं आता। थोड़ा जा बोल लें नाज़े हुसैन हालक दी करम नवाजी दा कोई जोहर समझ च नहीं आता। जै दीन खुदा को रंग लाया ओ गोहर समझ च नहीं आता। अदा प्या एक हुलद बचेंदा है गलिया विच एक सूरज रोकी बैठा है दूजा हुलद बचेंदा है गलिया विच ओ तू पीर अली दी गल करदा है उंदा नौकर समझ च नहीं आता। सलवात करी मैं करबला दी ज़ात ए बुलंद आवाज़ दे नाल बह जाओ बच्चे आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान
सूरज के पास है शबे तारी कैला को तो पहली बात आतने बातन चार सत्रह सरकारे अब्बास सूरज के पास है शबे तारी कैला मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ में है कोई यजीद तो टकरा के देख ले अब्बास का आलम है कलंदर के हाथ में सलवात आले मोहम्मद ज़ाते बुलंद बादशाह दी आमद ते बुलंदतर सलवात बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ज़ियारत बादशाह सुल्तानुल अंबिया वजह तहलीके कायनात मुरसल आज़म शाफी रोज़े माशर साहिबे काबा को हुसैन वदना सुल्तानुल अंबिया बादशाह दी पाक कमली दी हर सनाहाने मुस्तफा तारीफ करदा नजर आ रहे हालक दे मर्द बगैर ना बोलन वाले रसूल अपनी कमली दे बारे खुद की इरशाद फरमाए है इजाजत जी सुल्तानुल अंबिया फरमाए मेरी कमली रिदाए फातिमा है 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 मेरा कलमा अताए फातिमा है सबके जावा जी ये आईली आईली बिस्मिल्लाह करा जी सुल्तानुल अंबिया बादशाह दा इक नाम है अहमद जेड़ा अल्लाह रखिया है अहमद जेड़ा सरकारी इमनाम ने रखे मोहम्मद
मुहम्मद नाम इतना लुत्फ है, जितनी देर तक दोवे लब एक दूजे मिलन ना मुहम्मद औखा नहीं होता। बादशाह ने किसे सवाल किया, मौला तुहाड़ी जो इतनी तारीफ है, कायनात दा जरा जरा तुहाड़ी तारीफ कर रहे, इसकी वजह क्या, इस राज क्या है? सुल्तान उलंबिया फरमाया है, मेरी तारीफ है सबसे हकीकत में सनाए सदके जावा जी, सदके जावा जी, सदके जावा जी, मालक इज्जत रिज़क बख्त में इजाफा पे सलवात आले मोहम्मद दी ज़ात बुलंद आवाज दे नाल। मौला अली अलैहिस्सलाम जमीन ते से ज्यादा तशरीफ फरमान, तवज्जो जी मेरे पास है, बिल्कुल मैं और मुख्तसर पे करना। मेरे बादशाह मट्टी ते तशरीफ फरमान, एक बंदा दूरों वेख ना बजदा है, मौला तुसी कुल्ले ईमान हो गए, नबी दे जान ही हो के, वसीए मुस्तफा हो के, खलीफा बिला फसल हो के, यारा इमामा दे बाप हो के, कुल्ले ईमान हो के, बू तुराब हो के, मौला जमीन ते क्यों तशरीफ फरमाओ? मेरे बादशाह ने फरमाया, खामोश, जो नीचे बैठता है वो कभी गिरता नहीं। आदा मौला एक गल तो दसो, ये इंज जाते हो तो इंज जंग फतह करके आ जाते हो, मेरे मौला ये की वजह है, इसते चराज क्या है, इसके पिछे राज क्या है कि मौला इंज जाते हो ना अज तक तुम्हें जख्म लगे ना नेजे का ना तीर का, तो मेरे मौला ये पिछे राज क्या है? मेरे बादशाह ने फरमाया, मैं हर मैदान का फाते पीछे दुआए फातिमा है। बिस्मिल्लाह करा जी, नारा भी मैं ही मारना जी, आयली आयली आखिरी शेर ते तालबे दवाज बरोजे माशर टोलियां दे टोले नामा माल चेक करवा रहे, एक काफला जल्दी देना लगे वधे है, साढ़े नामा माल चेक करो, गल का लुत्फ लेना। फरिश्ते आदे ने, नहीं नहीं सानू आर्डर नहीं, तुहानू वड्डी सरकार पे बुलांदे, आदे ने असी थोड़ा जाना मुतमिन हो जाइए इन अमलों की सजा क्या है, जदा क्या है। फरिश्ते इस टोले नू महत्व के आदे ने, तुम्हारे नाम आए अमाल ये जज़ाइन की अताए फातिमा है। सलवात अले मोहम्मद इज़ात, असा साल मुसलसल रुल रुल के नाने दा दीन कोई सौखा बचे, ते रखी दीन तेरे दिलाजे तत्हीर दीवार से दी तेरी रही चादर तो मोहताज, बस सदा दारो कैदां दी रिहाई दा नाम आया, मेरे इमाम दी रात वध गई, जदा रात वधी है ना मेंढी आलिया सैन फरमाया, सज्जाद कैदा की रिहाई सुन के तेरी रात वध गई। मेंढी सैन ने एक तसली दी, वह मैं सुनाना चाहना किबला साहब को, मैं टाइम दिया मेरे बाजे बोले तरह रोने ने मेंढी सैन ते रो के आदि ने, जल जिगर को रात ना रो पे वतन ते वेंदे हैं,
जल जिगर को रात नारो पे वतन ते वेंदे हैं जेड़े थी पे वस गए जंजीर लहेंदे हैं। बिस्मिल्लाह करा सदके जावा जी मेरी सैन की दीद पई है मेरे इमाम ने चौंक आंदा मुशाहदा करना शुरू किया और रोने ने मेरी सैन ते रो के आदे ने बिस्मिल्लाह और रोने ने मेरी सैन ते रो के पुत्र दे गल गोसे दे के रो के आदे ने जिंदा नता हालिए ओ वदा कै कु गोलेंदा है ओ इना पत्थरा को क्यों वल वल खड़ा बोसे देंदा है। मेरे इमाम फरमाया एथा सार रख समदी है हाय मैं सदके जावा एथा सार रख समदी हाय मेंडा दिल हे लेंदे हैं ओ जेड़े थी पे वस गए जंजीर लहेंदे हैं। मेंडी सैन ने आओ मैं तुहानू दसा मेंडी सैन ने जिंदावन किवें छोड़िया मेंडी सैन दा जिंदावन ते पहला कदम बार आया हाथ जो आजाद हैं। मेंडी सैन ने अपने मुंह ते मातम करना शुरू किया मेरे इमाम आदे ने माँ कैदा जो रिहा है अपने मुंह ते मातम करना क्यों शुरू किया है। रोने ने मेरे सैन ते रो के आदे ने सजा जिंदा दिया दीवार ते बाहर दीवार ते साडा